भाई 10 मैच हो गए और 10 मैचेस से इसी मैच का तो इंतजार था कि जिसमें लाहौर 200 स्कोर मारे और अगली टीम को 130 तक खत्म कर दे। और लाहौर कलंदर ने ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। 11वें मैच में ही लाहौर कलंदर ने अपने टूरू फैंस की उम्मीदों को पर दिए और क्वेटा ग्लैडिएटर को 135 पे 63 रन से शिकस्त दे दी। मतलब क्वेटा ग्लैडिएटर का कोई लक बैट चल रहा है, मुल्तान और लाहौर का लक अच्छा चल रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर टीम बहुत अच्छी है, मतलब बैलेंस है। मुल्तान के पास बैटिंग अच्छी है, लाहौर के पास बॉलिंग अच्छी है, क्वेटा के पास दोनों अच्छे है, लेकिन लक नहीं अच्छा। मैच के हालात शुरू करने से पहले राशिद खान टीम में नए आए थे तो लाहौर कलंदर ने उनको कहा और नवा आया थे कम थे लग जा। और उन्होंने क्या खूबसूरत काम किया, जैसन रॉय जितना मार रहा था अगर उसको ना पकड़ा जाता उसने स्कोर अप कर देना था, लेकिन उसकी 50 भी नहीं होने थी। क्या बेहतरीन गुगली मार के जैसन रॉय को पवेलियन वापस। उसके अलावा भी बहुत कुछ है इस मैच में, तो प्रॉपर इस मैच के हालात की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉस से। टॉस हुई और क्वेटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला किया तो लाहौर कलंदर ने उनको कहा भाई ये टॉस जीत लो या मैच जीत लो। लाहौर कलंदर ने पहले ओवर से ही क्वेटा को छिलना शुरू कर दिया। हफीज पहला ओवर करवाने आया और ताहिर बेग ने नहीं देखा कि मेरा सीनियर है, कोई रिस्पेक्ट नहीं। पहली बॉल उसको बीट हुई है तो दूसरी बॉल पे उसने हफीज को स्ट्रेट का छक्का मार दिया, तीसरी बॉल पे चौका मार दिया। पहले ओवर से ही स्ट्राइक रेट 10 से ऊपर थी। उसके बाद साथ उसके फखर जमान भी मिल गया। उसके बाद 6 होप जो पिछले कुछ मैचों से नहीं चल रहे थे वो चल पड़े हैं। उन्होंने 32 बॉलों पर 47 स्कोर मार दिया है भाई, लेवल इनिंग खेली है 6 होप ने। उसके बाद हुसैन तलत ने भी मारा है, डेविड वीजे आउट हो गए लेकिन सिकंदर रजा ने भी बहुत मारा है। मतलब लाहौर कलंदर ने सिर्फ मारा मारी की है, कोई बॉल डॉट्स वगैरह कोई चक्कर नहीं है। खान को अपनी हैंडसम शॉट्स दिखाने का मौका नहीं मिला क्योंकि उससे पहले वाले बैट्समैनों ने सारा काम कर लिया। और लाहौर कलंदर ने एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग क्वेटा ग्लैडिएटर को टारगेट दिया 199 का। क्वेटा ग्लैडिएटर की बारिश शुरू हुई है और एक जगह पर मैं कमेंट पढ़ रहा था कि नथिंग इज परमानेंट बट शाहीन विकेट इन द फर्स्ट ओवर, तो बिल्कुल वही हुआ है भाई। शाहीन का पहले ओवर में विकेट लेना बहुत परमानेंट है। उसने पहले ओवर में बंगल जैन को चलता किया, उसने कहा तू मेरा पुत्र छूटेगा। मार्टिन मुट्टल को डेविड वीजे ले गया स्लोअर बॉल पे, मराठी जी कट करने गए और इनसाइड द सर्कल उनका कैच हो गया। उसके बाद जेसन रॉय ने जो हारिस रऊफ पे अटैक किया है तो वो हारिस रऊफ को ऐसे मार रहा था जैसे गली के बच्चों को मार, वो लेग पे लंबे लंबे छक्के। और फिर उसको आउट करने के लिए आए हैं हमारे स्टार स्पिन बॉलर राशिद खान और गुगली मार के जेसन रॉय का काम तमाम। उसके बाद इफ्तखार अहमद आए लेकिन वो भी कुछ ना कर सके, डेविड वीजे ने उनको भी चलता किया। डेविड वीजे का हमें ये फायदा है कि उनकी बॉल पेसी नहीं होती तो वो स्लो बॉल करते हैं और स्लो बॉल में लोग उनको अटैक करने पे जाते हैं, उनको टारगेट करने पे, और वो उस पर भी स्लो ओवर में फेंक के कटर मार के उनके कैच करवा देते हैं। उसके बाद नवाज आए हैं, नवाज भी 5 बॉलों पर 2 बना के घर को चलते हुए। सरफराज सबसे एंड पे पता नहीं क्यों आया, क्योंकि पिछले मैच में तो ये आई थिंक 1 डाउन आया था, इस मैच में ये 7 पे नंबर 7-8 पे आया, आई डोंट नो। लेकिन सरफराज को भी कुछ खास मौका ना मिला, 14 बॉल्स पे 16 स्कोर बना के मैच ही खत्म हो गया, तो उसने क्या खेलना था। इन शॉर्ट लाहौर ने क्वेटा ग्लैडिएटर को ऐसे हरा के कराची किंग्स वालों को बताया कि बेटा तुमने अभी मैच नहीं हराया, हमने तुम्हें ये मैच गिफ्ट में दिया था कि तुम बेचारे कोई मैच नहीं जीत रहे थे तो हमसे ही जीत लो। बड़े सखी दिल के ना कलंदर जो है, इसलिए ऐसे ही मैच मुल्तान और लाहौर से और चाहिए ताकि फाइनल इस दफा भी पिछली दफा की तरह हो और विनर इस दफा भी पिछली दफा की तरह हो। बात कर लेते हैं आज के मैच की, तो आज का मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स जो के स्टार्ट होगा आज 6 बजे। रिजवान मिलर रोसो कार्लोस पेथफेड कुशील शाह पोलार्ड वर्सेस शर्जील खान हैदर अली जेम्स विंस शुएब मलिक एंड बेन कनेक्ट इट्स एहसानुल्लाह वर्सेस मोहम्मद आमिर। चलते हैं आज की प्रेडिक्शन की तरफ, सो इट्स प्रेडिक्शन टाइम। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है कराची और मुल्तान में से बंदा किसको चूज करेगा, मुल्तान को भाई, मुल्तान विल पमेल कराची वेरी हार्ड। और मुझे तो डर है कि कहीं जमीन वमीन में ना गाड़ दे, 100 से नीचे ही ना उतार दे, थोड़ा हाथ वाला रखना मुल्तान वालों। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल आज के मैच के हालात के साथ। देखें आज का मैच
सपोर्ट करें अपनी फेवरेट टीम को, PSL को करें भरपूर तरीके से एंजॉय। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए राम राम।